वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज का हमारा टॉपिक है पिलर ऑफ इस्लाम, यानी कि अरकान इस्लाम के मुतालिक आपके सामने सवालात और उनके जवाबात पेश किए जाएंगे। तो चलते हैं अपने सवालात की तरफ। अरकान इस्लाम की तादाद कितनी है और इससे क्या मुराद है? तो इसमें 5 अरकान हैं इस्लाम के, जिन्हें हम बेसिक पिलर ऑफ इस्लाम कहते हैं। उनमें एक कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा अहम जो है वो नमाज है। नमाज के मुतालिक सवालात बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हम अपने अरकान में से नमाज के लिए सबसे पहले सवालात आपके सामने पेश करते हैं। कलमे से मुतालिक हमने कलमे के सेशन में सवालात आपके सामने पेश कर चुके हैं, लिहाजा अब यहाँ पर मज़ीद पेश करने की गुंजाइश नहीं है। नमाज किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? नमाज फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अरकान इस्लाम में कितने अरकान का ताल्लुक इबादत से है? 4 का ताल्लुक इबादत से है, यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। नमाज के लिए अरबी ज़ुबान में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया? सलात का लफ्ज़। कुरान करीम में कितनी मरतबा नमाज का जिक्र है? 700 मरतबा। नमाज कब फ़र्ज़ हुई? इधर मैंने 2 तारीखें लिख दी हैं, 10 नबी या 12 नबी, मेराज के मौके पर, क्योंकि ये दोनों ही तकरीबन रिवायात दुरुस्त हैं। अगर ऑप्शन में 10 नबी आ जाए तो आपने 10 नबी तहरीर करना है, और अगर 12 नबी आ जाए तो आपने 12 नबी तहरीर करना है। अगर आ जाए बोथ आर करेक्ट तो आपने बोथ ऑफ करेक्ट पर क्लिक कर देना है, और अगर बिलफर्ज 12 आ जाए, इनमें से कोई एक आ जाता है तो आपने एक को ही मेंशन करना है, 10 कर दें या 12 कर दें। इब्तिदा इस्लाम में मुसलमान कौन सी नमाजें पढ़ते थे? फजर और असर की नमाज पढ़ते थे। किस नबी के मश नमाजें 50 नमाजों से 5 हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। इब्तिदा में मुसलमान किस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे? बैतुल मुकद्दस की तरफ। हिजरत मदीना के बाद मुसलमान कितने अरसे बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी? 16 से 17 माह। तहवील क़िबला का हुक्म, यानी कि क़िबला को चेंज करने का हुक्म, क़िबला को तब्दील करने का हुक्म किस सने हिजरी और कौन सी नमाज में हुआ? शाबान 2 हिजरी में ये वाक़या पेश आया, और जहर की नमाज अदा करते हुए तब्दील क़िबला का हुक्म आया। मस्जिद क़िबलतैन से क्या मुराद है? 2 क़िबलों वाली मस्जिद, क्योंकि जिस मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी अब वो मस्जिद मस्जिद क़िबलतैन के नाम से मशहूर है, यानी उसमें पहले मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे, और अब उसमें हुक्म आया जब कि आप अपना रुख बैतुल्ला यानी अल्लाह के घर की तरफ, खाने काबा की तरफ कर लें, तो लिहाजा उसमें उसको अब कहते हैं 2 क़िबलों वाली मस्जिद। इशराक, चाश, तहज्जुद कौन सी नमाजें कहलाती हैं? नवाफिल। सफ़र के दौरान कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? नमाज कसर। कसर नमाज कितने किलोमीटर मील पर पढ़ी जाती है? 57 मील या 92 किलोमीटर पर कसर नमाज पढ़ी जाती है। कसर नमाज से मुराद ये होता है कि जब इंसान मुसाफिर हो जाए शरई तौर पर, तो अब उसके ऊपर जो 4 रकात वाली नमाज होती है वो 2 हो जाती है, कसर कर देते हैं उसको, तो 4 वाली रकात जो है वो 2 हो जाती है। 2 वाली 2 ही रहती है और 3 वाली भी 3 रहती है, अलबत्ता जो 4 रकात वाले जो फराइज हैं वो 2 रकात पढ़े जाते हैं। सुन्नतें और फराइज मिलाकर कुल कितनी रकातें हैं? 48, अगर हम सुन्नत और फराइज को मिलाएं तो 48 हैं, और अगर सिर्फ फर्जों की तादाद की जाए तो वो 17 हैं। नमाज कसूफ और नमाज कसूफ कब पढ़ी जाती है? नमाज कसूफ सूरज ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है, और नकसूफ जो है चांद ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है। बारिश की तलब के लिए कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? नमाज इस्तिस्का। नमाज इस्तिस्का पहली बार सन 6 हिजरी में पढ़ी गई। सजदा सहव कब होता है? नमाज की हालत में अगर कोई गलती या कमी बेशी हो जाए तब सजदा सहव किया जाता है। ईदैन की नमाज क्या है, यानी कि ईद उल अज़हा और ईद उल फितर की नमाज पढ़ना क्या है? वाजिब है। बगैर रुकू और सुजूद के पढ़ी जाने वाली नमाज कौन सी है? नमाज जनाजा, जो कि फर्ज किफाया है। सलात वस्ता की हिफाजत करो, यानी किस नमाज की हिफाजत करो? कुरान करीम में लफ्ज आया है हाफिजु अलस्सलावात वस्सलातिल वस्ता, कि अपनी नमाजों की हिफाजत करो, खास तौर पर सलात वस्ता की। तो इससे कौन सी नमाज मुराद है? इससे असर की नमाज मुराद ली जाती है। लफ्ज तरावीह, जो हम रमजान में तरावीह पढ़ते हैं, उससे मुतालिक सवाल है कि तरावीह के माना क्या है? सुकून।
क्योंकि ये लफ्ज राहत से बना है तो उसके माने होते हैं सुकून के। तरावी की जमात किसके दौर में शुरू हुई? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में। नमाज के कितने फराइज हैं? नमाज के 7 फराइज हैं, तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िरात, रुकू, सजदा, क़ादा आखिर और खुरूज बिसुनई ही। सिर्री और जहरी नमाज से क्या मुराद है? सिर्री नमाज जिनमें इमाम आहिस्ता तिलावत करते हैं जैसा कि असर की नमाज और जहर की नमाज, और जहरी जिसमें आवाज से तिलावत की जाती है यानी फजर, मगरिब और इशा की नमाज। नमाज के शराइत कितने हैं? नमाज के 6 शराइत हैं। बरोज़ क़यामत सबसे पहला सवाल किससे मुताल्लिक होगा? नमाज से मुताल्लिक। वितर के क्या माना है? वितर के माने हैं ताक। किस नमाज में दुआए कुनूत पढ़ी जाती है? वितर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस इबादत के मुताल्लिक फरमाया कि ये मेरी आंखों की ठंडक है? नमाज के मुताल्लिक फरमाया। वजू नमाज के लिए क्या है? वजू नमाज के लिए फर्ज है, यानी कि अगर वजू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। वजू का हुक्म किस सूरत में दिया गया? सूरतुल माईदा की आयत नंबर 6 में। वजू में आजाए वजू का कितनी बार धोना फर्ज है? 1 बार धोना फर्ज है और 3 बार धोना सुन्नत है। वजू के कितने फराइज हैं? वजू के 4 फराइज हैं। गुसल के कितने फराइज हैं? गुसल के 3 फराइज हैं। जुमे के दिन गुसल करना क्या है? जुमे के दिन गुसल करना सुन्नत है। मदीना में सबसे पहले जुमा किसने कायम किया? असद बिन जरारा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। सतर से क्या मुराद है? सतर के लुगवी माने होते हैं छुपाना, क्योंकि इनका ऐसे आज़ा का जिस्म का छुपाना नमाज में ज़रूरी होता है जिनका छुपाना इस्लाम में फ़र्ज है, यानी कि मर्द के आज़ा और औरत के आज़ा। वो आज़ा जिनका छुपाना इस्लाम में फ़र्ज करार दिया गया है उस हिस्से को छुपाने को कहते हैं सतर। आज़ान का हुक्म कब दिया गया? 1 हिजरी में दिया गया। मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबी रसूल का लकब है? हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु का लकब है। जुमे के दिन दूसरी आज़ान का हुक्म किसने दिया? हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। किस सहाबी ने आज़ान के अल्फाज ख्वाब में सुने थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम किस नमाज की आज़ान के वक्त कहे जाते हैं? फजर नमाज की। अज़ान देने वाले को क्या कहते हैं? मुअज़्ज़िन। कद कामत सला के अल्फाज किस में कहे जाते हैं? तकबीर में। शुक्रिया। तो आज का हमारा यही है चैप्टर। इसके अलावा हम कल से रोज़ा, ज़कात और हज के हवाले से भी आपके सामने मज़ीद सवालात पेश करेंगे। शुक्रिया।